हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ बिमानी। दोस्तों, एक्सिस मैग्नस जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्रेडिट कार्ड हो गया है अभी बिकॉज ऑफ इट्स माइलस्टोन बेनिफिट, मैंने सोचा कि आज आपको उसका एक एज पोर्टल बताओ जिसमें कैसे पॉइंट्स आते हैं, कैसे रिडीम होते हैं। और बेसिकली एक्सिस का कोई भी कार्ड ले लीजिए आप, ये प्रोसेस नियर बाय सेम ही है, खाली रिडीमशन ऑप्शंस चेंज हो जाता है, रिडीमशन वैल्यू चेंज हो जाता है। तो मैंने सोचा कि आज लाइव मेरा जो डैशबोर्ड है उसमें, लैपटॉप है उसमें, मैं आपको लाइव एक्सिस का पॉइंट्स का पूरा एज पोर्टल पूरा आपको मैं बताऊं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये है मेरा लैपटॉप स्क्रीन जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने एक्सिस बैंक का डैशबोर्ड ओपन किया हुआ है, लॉगिन किया हुआ है, और ये मेरा एक्सिस बर्गंडी अकाउंट है। दोस्तों, एक्सिस बर्गंडी अकाउंट है, मैं मिनिमम बैलेंस भी मेंटेन नहीं करता हूँ, खैर उसका एक अलग बात करेंगे। तो अभी मैं आपको एज पोर्टल में लेके जाता हूँ, तो आप देखेंगे तो सर्विसेज में आप माय प्रोफाइल में जाएंगे तो आपको ये रिवॉर्ड पॉइंट्स का पूरा डैशबोर्ड आता है। ये एज रिवॉर्ड्स है, तो एक्सिस जो भी आपको पॉइंट्स देता है उसको एज रिवॉर्ड्स बोलता है। खैर, अभी मेरे पास 28,955 पॉइंट्स है मैग्नस का, और अभी तक मेरा माइलस्टोन पॉइंट्स क्रेडिट हुआ नहीं है। तो मेरा दिसंबर का, जनवरी का दो महीने का, और ये फरवरी का, फरवरी तो चल रहा है, ये तीन महीने का क्रेडिट होगा तो 75,000 पॉइंट्स और मुझे मिलेंगे। खैर, फिलहाल ये है एज रिवॉर्ड्स का ये स्क्रीन, बट इधर से मैं जब क्लिक करूंगा तो वो एक अलग पोर्टल में मुझे लेके जाते हैं जो प्योरली एज पोर्टल है। तो ये मैंने क्लिक किया, ये देखिए दोस्तों, ये है एज पोर्टल। और इसमें से आप तीन चीज़ कर सकते हैं, आप आपके जो पॉइंट्स है उसको रिडीम कर सकते हैं, आप एज पोर्टल जो ट्रैवल एज है उससे आप बुकिंग्स कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से अगर आपको कोई भी ट्रैवल बुकिंग करनी हो तो आप एज पोर्टल से ही बुकिंग करिए, क्योंकि उसमें आपको 5x पॉइंट्स मिलता है। और तीसरा है पॉइंट्स ट्रांसफ़र। तो दोस्तों, ये अभी इनके जो पार्टनर डील्स चलती है, फॉर एग्जांपल ये ब्यूटी सेंटीमेंट्स है, इसका आप लेंगे तो 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा। पोट्रॉनिक्स है, उसका 5x मिलेगा। ऐसे इनके पार्टनर पॉइंट्स चलते रहते हैं। ये आप नीचे देख सकते हैं कि ये पॉइंट से ये प्रोडक्ट्स आपको अगर परचेस करना है तो आप कर सकते हैं। ये देखिए, कामा बॉडी शॉप, लाइफस्टाइल में फैब इंडिया। और मैं आपको एक टिप देता हूँ कि ये कोई चीज़ में आप रिडीम मत करिए, आपका पॉइंट्स वेस्ट होएगा। अगर आपके पास मैग्नस, एटलास ये सारे कार्ड्स है तो 100% इसको माइल्स ट्रांसफ़र में ही यूज़ करिए। तो नेक्स्ट मैं आपको लेके जाता हूँ ट्रैवल एज पोर्टल में। तो ये देखिए दोस्तों, ट्रैवल एज पोर्टल जो है इनका, ये ऐसा है। इसमें से अगर आप टिकट बुकिंग करेंगे, कोई भी मतलब होटल बुकिंग करेंगे, तो आपको 5x पॉइंट्स मिलेगा अगर आप मैग्नस से हैं। अगर कोई भी दूसरा है तो अलग अलग कार्ड के अलग अलग स्कीम्स है। तो ये देखिए, इधर से आप फ्लाइट्स बुक कर सकते हैं, होटल्स बुक कर सकते हैं। अभी एक एग्जांपल लेता है और हम कंपेयर करते हैं कि ट्रैवल एज का जो प्राइस है वो मेक माई ट्रिप से कैसे होता है। तो मैंने सपोज़ ठीक है, मैंने मुंबई से, सपोज मैंने मुंबई से दिल्ली का एक ले लेता हूँ, मैं मुंबई दिल्ली, और नेक्स्ट मंथ का मैं 15th March ले लेता हूँ, ओके, और वन ट्रैवलर करके सर्च करता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसका जो ट्रैवल एज पे अभी रिजल्ट्स आएगा। तो दोस्तों, ये है उसके जो रिजल्ट्स है, आप देख सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये इंडिगो का फ्लाइट का या स्पाइस जेट का एक एग्जांपल लेते हैं, 10:10 का जो है वो 4190 का है। अभी मैं मेक माई ट्रिप पे जाके मुंबई दिल्ली का, मुंबई दिल्ली का मैं वन वे 15th March को देखते हैं क्या है, जस्ट एक कंपेयर करने के लिए। दोस्तों, स्पाइस जेट का देखा था हमने,
तो दोस्तों ये सेम है 4190 और इधर पे भी 4190 है, तो मेरे हिसाब से रेट्स तो बहुत ज़बरदस्त है, सेम है, प्लस आपको ट्रैवल एज से जो बेनिफिट्स मिलेगा वो अलग। तो ये था दोस्तों ट्रैवल एज पोर्टल। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट माइल्स ट्रांसफ़र जिसके लिए हम मैग्नस कार्ड यूज़ करते हैं, तो ये है पॉइंट्स टू माइल्स ट्रांसफ़र। मैं आपको एक एग्जैक्ट एक्चुअल करके बताता हूँ कैसे होता है ये, इसके माइल्स के ट्रांसफ़र के ये सारे पार्टनर्स हैं। इसका मैं आपको एक लिस्ट बता देता हूँ कि कौन से पार्टनर्स हैं और उसका पॉइंट्स टू रेशियो कितना है। मेजॉरिटी जो है वो 5:4 है एयर माइल्स में जब कन्वर्ट करते हैं मैग्नस के लिए, और मैरियट के लिए 1:1 है। मैं आपको बताऊंगा कि आप माइल्स में कन्वर्ट करिए, मैरियट में मत करिएगा मैग्नस से। और इनकी ऑफर्स चलती रहती है, आप देखिए फ्लाई टू योर नेक्स्ट 2x माइल्स, तो ये सारा इनका ऑफर्स चलता है। तो मैं अभी आप देखिए क्लब विस्तारा में अभी जा रहा हूँ और उधर से मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको जो CVID है उससे लिंक करना पड़ेगा, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। मैं पॉइंट्स टू माइल्स ट्रांसफ़र में क्लिक किया हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप क्लब विस्तारा पे डालेंगे, क्लिक करेंगे, तो ये डैशबोर्ड आ जाता है। ये डैशबोर्ड जो है ये फाइनल डैशबोर्ड है। इसमें आपको एयर विस्तारा सिलेक्ट करना है, इसमें बहुत सारे हैं, मैं एयर विस्तारा सिलेक्ट किया हूँ। इसमें आपको क्लब विस्तारा करना है और मेंबर आईडी में आपको आपका करना है, मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा वो ओपन हो जाएगा। ये एक्सेप्ट करना है और ये देखिए दोस्तों ये जो है ये 5:4 ट्रांसफ़र रेशियो है। अगर आपको कितने CV पॉइंट्स चाहिए उसके हिसाब से आपका ये ट्रांसफ़र होता है। तो मेरे को सपोज 500 CV पॉइंट चाहिए तो इधर पे 625 हो जाएगा, 400 CV पॉइंट चाहिए तो 500 हो जाएगा, ये 5:4 है। जैसे ही आप ये करते हैं आपको ट्रांसफ़र करना है और उसको दोस्तों 3 दिन लगते हैं आपके CV क्लब विस्तारा आईडी में जाने के लिए। तो बस दोस्तों ये था एक्सिस का एज पोर्टल। मैंने आपको मेरा मैग्नस कार्ड के हिसाब से मैंने आपको बताया कि इसमें ट्रैवल एज पोर्टल क्या होता है, पॉइंट्स ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, वाउचर्स रिडीम कैसे होते हैं, और सारा का सारा मैंने आपको ओपन करके बताया। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है या मैंने कोई चीज़ गलत बताई है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ डालिए, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा है लगे तो प्लीज़ उसको लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, थैंक यू।